नमस्कार, मैं अनुराग। आप देख रहे हैं मेरे साथ विभाग बात। इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं संजय द्विवेदी जी, पत्रकारिता के आचार्य और अब IIMC के महानिदेशक। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपका नया कार्यकाल भी बहुत शानदार और जानदार हो, उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपका भी। एक पत्रकारिता की पढ़ाई करना, पत्रकारिता करना और फिर देश के सबसे बड़े पत्रकारिता के संस्थान में जाके काम करना, क्या फीलिंग है? बहुत अच्छा लग रहा है, ईश्वर की कृपा से मिला है और जाकर वहाँ जो कुछ सीखा है इतने दिनों में उसका प्रयोग करने का एक अवसर मिलेगा और एक भारत सरकार में काम करने का शायद पहला अवसर है मेरा, तो वहाँ जाकर के जो स्थितियाँ बनेंगी, क्योंकि एक बड़ा टास्क भारत सरकार ने मुझे दिया है कि ये संस्थान बहुत पुराना संस्थान है। 1958 में इंदिरा जी ने इसकी स्थापना की थी जब सूचना प्रसारण मंत्री थी। अब इस संस्थान को विश्वविद्यालय में बदलना है, तो एक विश्वविद्यालय का जो मेरा अनुभव है पिछले 12 सालों का, उस अनुभव को देखते हुए शायद भारत सरकार ने मुझे मौका दिया होगा और उसको विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में जो भी योगदान कर पाऊँगा, नए विभागों की स्थापना, UGC के नाम्स को देखते हुए वहाँ जो जो अधोसंरचना खड़ी करनी उसका प्रयास करेंगे, तो एक संस्थान के रूप में तो बहुत अच्छा सफर IIMC का रहा है, एक विश्वविद्यालय के रूप में भी उसकी वही ऊंचाई वही गरिमा बनी रहे। जैसा कोई भी अगर पत्रकार है तो उसकी इच्छा होती थी कहीं कहीं पढ़ने का मौका मिले, IIMC में जाएं, वहाँ सीखें समझें। और खाली पत्रकार नहीं, मुझे लगता है कि हमारे एशियाई देशों में तमाम सारे PR का काम करने वाले अफसर भी वहाँ आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल, भारतीय सूचना सेवा के सारे अधिकारियों की ट्रेनिंग का केंद्र है। इसके अलावा एशियाई देशों के अलावा दुनिया के तमाम देशों के अधिकारी जहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग की, वो लोग भी आते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय किस्म का मंच है, पर जब ये विश्वविद्यालय बनेगा तो वो विश्वविद्यालय भी अपने नाम के अनुरूप वैश्विक छवि के अनुसार बने और दुनिया भर में संचार और इसकी जो विधि गतिविधियाँ हैं उनका वो केंद्र बने, इस पर पूरा जोर होगा और गुणवत्ता के साथ उस काम को करना है और इसको आगे लेके जाना है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जब इसका नाम था विद्यार्थी मैंने देखा है जब आप वहाँ अध्ययन कर रहे थे, और उसके बाद उसी विश्वविद्यालय में कुलपति बन के काम कर रहे हैं, कितना अंतर है? देखिए अनुराग जी, सपना तो नहीं था कभी कुलपति बनने का। जब पढ़ने के लिए आए थे उन दिनों में तो यही सपना था कि किसी अखबार का संपादक बने, उसमें बड़ा ग्लैमर हुआ करता था अखबार के एडिटर का, और 90s का समय है ये, तो एक अखबार का संपादक बनना यही सपना था। अपने क्लासमेट से कहा भी करता था कि मैं एक अखबार का संपादक बनना चाहता हूँ, तो वो कई बार हंसते भी थे क्योंकि उस समय कम उम्र के लोग संपादक बनाए नहीं जाते थे। पर मेरी किस्मत और भाग्य जो भी आप कहें कि मैं कुल 24 साल की उम्र में एक अखबार का संपादक बन गया रायपुर में, तो वो सपना भी पूरा हो गया। तो मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है कि डेस्टिनी आपका साथ देती है, और कई लोग जो हमारे मित्र हैं वो बहुत सारी संघर्ष की कथाएँ सुनाते हैं, बहुत सारा उनके जीवन में संघर्ष रहा हो, पत्रकारिता में संघर्ष होता है, पर मुझे आप ईश्वर का ब्लेस भी मान लीजिए कि बहुत संघर्ष के बिना जो है मुझे जो है सफलताएं मिलती गईं, सीढ़ियां मिलती गईं और मैं ऊपर चलता गया। और शायद इसका कारण यह रहा कि मैंने एक ही सिद्धांत ध्यान में रखा जो सबको ध्यान में रखना चाहिए कि अपने बॉस के लिए अच्छा काम करो, और आपके बॉस की प्रमोशन होगी तो आपके लिए कुर्सी अपने आप खाली हो जाएगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक सकारात्मकता जो है ये बड़ी गंभीर बात है, रोचक भी है कि आप अपने बॉस के लिए बहुत अच्छा काम करें, आपके बॉस की कुर्सी खाली हो जाएगी तो आपकी तरक्की। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोग तो बॉस की कुर्सी पर निगाह लगा के रखते हैं कि बॉस को कैसे टपकाया जाए। हाँ, पर वो एक सकारात्मकता आप रखेंगे तो बॉस कई बार परसू भी करता है आपके लिए, आपकी प्रगति के लिए सोचता है। तो मुझे लगता है जिस संस्थान में आप हैं, जिस संस्था में आप हैं, उसके लिए जितना ईमानदारी और जितना प्रामाणिकता से आप काम करते हैं वो चीज़ आपको पे करती है, क्योंकि आपके काम का यश आपकी संस्था के अंदर तो होता भी है, बाहर भी वो फैलता है, क्योंकि मीडिया की दुनिया बहुत कनेक्ट है आपस में एक दूसरे से, जिसमें मौखिक चर्चाओं का और एक दूसरे के बारे में जानने का बड़ा वो रहता है, तो लोग जानते हैं कि आप क्या अंदर क्या कर रहे हैं। तो आप ये अंदर अगर षड्यंत्र कर रहे हैं तो बाहर नहीं पता चलेगा, ऐसा नहीं है। तो अगर आप सकारात्मक हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, टीम को साथ लेके चल रहे हैं और अपने संस्था अपने बॉस के प्रति आप लॉयल हैं, तो ये फायदा जरूर मिलता है और मुझे इसका बहुत लाभ मिला। बस्ती, उत्तर प्रदेश की बस्ती से संजय हैं, मूल निवासी, वहाँ शिक्षा जन्म लिया, वहाँ शिक्षा प्राप्ति। जब आप मध्य प्रदेश आए, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आने के वक्त कभी कभी कल्पना थी कि किसी विश्वविद्यालय में जो सर्वोच्च कुर्सी है कुलपति की वहाँ बैठ पाऊंगा, ऐसा सोचा था, कोई कल्पना थी?
इच्छा थी? अनुराग जी कभी नहीं सोचा था, मतलब मेरा तो कुल सपना इतना ही था कि मैं एक अखबार का संपादक बन जाऊं। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, मैं यहाँ प्रोफेसर बना, पिछले 11 सालों से प्रोफेसर भी रहा, जनसंचार विभाग का अध्यक्ष भी रहा करीब 10 वर्षों तक, कुल सचिव भी रहा अरणी कुठियाला जी के कार्यकाल में, उसके बाद फिर मैं कुलपति बन गया। ये कोई मतलब ये सपने नहीं है, ये तो मतलब एक यात्रा में चीज़ें मिलती चली गई, और सपना तो कुल मिला के एक अच्छा पत्रकार बनने का था। वो बन पाया कि नहीं बन पाया इसका मूल्यांकन आप ही करेंगे। उसका टेलीविजन में आ गया, संभवतः जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ 24 में आप छत्तीसगढ़ में आके आपने वहाँ काम शुरू किया। एक बहुत खूबसूरत टीम जिसमें रविकांत मित्तल, संजय द्विवेदी और तमाम सारे अलग अलग चैनल्स में जो लोग इस समय काम कर रहे हैं, सारी टीम वहाँ बिल्कुल जुटी। तो वहाँ से क्यों टीवी से फिर वापस? देखिए, वो टीवी का आदमी था नहीं, दरअसल मैं क्या है कि दिमाग से लेखक हूँ और लिखने वाला आदमी हूँ, तो मुझे तो रविकांत मित्तल जी मतलब एक तरह से लेके चले गए टेलीविज़न में, उनके कहने पर या जो भी उनका फोर्स था, जिस तरह से कहा उन्होंने तो मैं चला गया। मैं उस समय हरिभूमि में रायपुर में स्थानीय संपादक था, उसके पहले बिलासपुर में भी 3 साल संपादक भास्कर अखबार का रह चुका था। तो बेसिकली मेरा जो पिंड है प्रिंट के पत्रकार का है, और दरअसल मैं रिपोर्टर भी नहीं हूँ, मैं तो आप डेस्क पर काम करने वाला और डेस्क पर बैठ के काम करने वाला व्यक्ति हूँ और लिखने वाला व्यक्ति हूँ। तो टीवी में चला तो गया मैं, और मैंने एंकरिंग भी की, जो जो रवि जी ने काम चाहा वो सब हमने किया, पर मुझे लगा कि ये मेरी जगह है नहीं। तो फिर ये हुआ कि अब क्या करें, तो वापस में फिर जो है मैंने लिखने पढ़ने की दुनिया में आने के लिए आपको कहूँगा, रवि के साथ आपने काम किया, रवि भी बहुत मास्टरपीस आदमी है अपने आप में, वो जिससे जो निकलवाना चाहते हैं वो निकलवा लेते हैं, ये खूबी है उनकी। हाँ, निश्चित रूप से रविकांत मित्तल जैसा संपादक मैंने नहीं देखा, कि मैं उनके बहुत निकट रहा हूँ, क्योंकि मेरे नियुक्ता ही थे एक तरह से। तो मतलब मेरे आप जान के आश्चर्य करेंगे कि मेरे बुलेटिन के पहले वो मेरी कंघी भी खुद आके कर दिया करते थे कई बार, कि बाल ऐसे करो ऐसे करो, आज जो मेरी हेयर स्टाइल वो उनकी देन है। तो काफ़ी उन्होंने ग्रूमिंग की वहाँ की, क्योंकि नई टीम थी, नया चैनल था, और पहला सेटेलाइट चैनल लॉन्च करना छत्तीसगढ़ जैसी छोटी जगह पे बहुत चमत्कारी था। और हम तो क्योंकि उस दुनिया के लोग नहीं थे, तो मैं तो सिर्फ चीज़ों को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, पर एक एडिटर के रूप में जो रविकांत मित्तल की भूमिका है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है, और वो टीम को लेके चलने वाले। और जैसे मैं खालिस प्रिंट का आदमी था, वैसे वे खालिस टीवी के आदमी थे। मैंने कभी टीवी में काम नहीं किया था, उन्होंने कभी अखबार में काम नहीं किया था। तो कई बार जो लोगों को जिस तरह से मैं भर रहा था, तो वो कहते थे यार इसको क्या प्रिंट ही बना दोगे क्या पूरा अखबार को, पर इसको टेलीविजन चैनल को। पर अंततः वो प्रिंट की भी टीम थी जो हमारी, उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और वो लोग आज बड़ी नेतृत्वकारी भूमिका में हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। संजीत बताओ, मैं भी प्रिंट मीडिया से शुरुआत की मैंने अपने जीवन के, प्रिंट मीडिया का आदमी कभी टीवी में फेल नहीं होता, एक खूबी उसको मालूम होता है, उसके पास कोई दृश्य नहीं होता, उसके पास सिर्फ शब्द होते हैं, वो शब्दों से पूरा दृश्य खींच देता है, शब्द चित्र बना देता है वो। तो मुझे कई बार लगता है कि जो प्रिंट में काम कर चुके होते हैं वो टेलीविजन में कभी फेल नहीं होता। जी जी, निश्चित रूप से प्रिंट में काम करने वाले व्यक्ति का जो अनुभव संसार है वो ज़्यादा व्यापक होता है, तेरा धीरज भी उसके अंदर ज़्यादा होता है और चीज़ों को लेके चलता है। पर अब एक ऐसी पीढ़ी आ गई जिसने टीवी में ही काम शुरू किया, टीवी से ही सीखा और टीवी के उसको समझती है, तो अब ये कहना शायद उतना उचित नहीं है, कि क्योंकि टीवी अपने आप में एक अब शास्त्र बन गया है, और टीवी की अपनी एक पढ़ाई होने लगी है, टीवी की अपनी एक परंपरा है, टीवी का अपना एक शिल्प है। तो ये एक अलग किस्म के सौंदर्य बोध के साथ काम करने वालों की टीवी में ज़रूरत है, और लोग आ रहे हैं। पर अगर कुछ आप ज़्यादा समझ लेके आते हैं तो वो कोई नुकसान नहीं करती, ऐसा मेरा मानना है। कहीं ऐसा देखो कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, आजकल जो नए पत्रकार आते हैं वो एकदम से ग्लैमर में तत्काल नाम हो जाए, उसमें पढ़ाई पीछे छूट जाती है, पढ़ना पीछे छूट जाता है। रेफरेंस के लिए लोग पहले याददाश्त अच्छी होती थी, चीज़ें याद रखते थे, अब गूगल पर निर्भर हो जाते हैं, कुछ अपने कुछ भी नहीं रहता। ये मतलब ये आप व्यक्ति के आधार पर कह सकते हैं, सबके बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं है, पर ज़्यादातर जो लोग हैं उनका अध्ययन और अध्यवसाय कम हुआ है, अखबारों के अलावा शायद ही वो कुछ कोई चीज़ पढ़ते हो, अखबार भी बहुत सावधानी से नहीं पढ़ते। तो एक कठिन समय तो है कि जिसमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो पूरी जनरेशन का ही, वो कोई पत्रकारों का नहीं है, पूरी पीढ़ी जो है जिसकी मोबाइल पर निर्भरता है या ई माध्यमों पर उसकी निर्भरता है, वो मूल टेक्स्ट पर नहीं जाना चाहती, वो गूगल और बाकी माध्यमों से ज्ञान को ग्रहण कर रही है, और गूगल गुरु ज़्यादा बड़े गुरु हो गए हैं, तो वो ये एक संकट तो है। पर मुझे लगता है जो लोग मूल टेक्स्ट पर काम करते हैं, मूल टेक्स्ट को देखते हैं और गंभीर अध्ययन की तरफ जाना चाहते हैं, ऊंचाई हासिल करना चाहते हैं, खासकर लीडरशिप की पोजीशन में आते हैं, एक जो जर्नलिज्म का जो काम है वो तो बहुत कम क्षमताओं से चल
जाता है। देखिए आप, एक रिपोर्टर के लिए बहुत ज़्यादा क्षमताओं की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ज़्यादा उसकी चीज़ों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऊपर एडिटर बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, आपकी चीज़ों को पॉलिश कर देते हैं। पर अगर आपको नेतृत्वकारी भूमिका में मैनेजरियल पोजीशन में जाना है, लीड करना है अगर उस अपनी उस विधा को, तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा अपेक्षित गंभीरता की ज़रूरत है, ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत है और गंभीर अध्यवसाय करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो लोग आप नेतृत्वकारी भूमिका में हैं, आप उनको देखेंगे तो उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, उस परिश्रम के आधार पर बने हुए लोग हैं। संजय द्विवेदी जो बात कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सच है कि एक व्यक्ति बहुत लंबे अरसे तक रिपोर्टर नहीं रह सकता। कभी ना कभी आपको डेस्क पे आना पड़ता है, कभी ना कभी आपकी भूमिका में परिवर्तन होता है। इसलिए मुझे कई बार ऐसा फील होता है कि अगर आप जो भी पत्रकार हो, अध्ययन करता रहे, फील्ड में काम करता रहे, टेलीविजन का रिपोर्टर हो, अखबार का हो, अच्छे बॉस के लिए अच्छे परिणाम दीजिए, बॉस आगे जाएगा। संजय जी जैसा कह रहे थे तो आपकी भी तरक्की होगी, तो रिपोर्टर की भी तरक्की तो होती है निश्चित रूप से। देखिए क्या होता है कि रिपोर्टर दरअसल एक ऊर्जा का नाम है, जो एक ऊर्जा का केंद्र होता है और वो फील्ड में दौड़कर चीज़ें लाता है। पर आप बताइए आप कितने दिनों तक दौड़ सकते हैं? एक समय ऐसा आएगा जब आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। वह तो फिर वो आपका जो अनुभव है, जो आपका ज्ञान है, फिर आप लीडरशिप कैपेसिटी में चले जाएंगे, नेतृत्व की भूमिका में चले जाएंगे, अपने अनुभव से नई पीढ़ी को समृद्ध करेंगे। तो वो चीज़ हमेशा अपनी तैयारी रखनी चाहिए कि मैं पूरी ज़िंदगी रिपोर्टर नहीं रह सकता, मुझे हमेशा नीचे का काम नहीं करना है, कल मुझे लीडरशिप पोजीशन में आना है। तो लीडरशिप पोजीशन के लिए आपको अपेक्षित धैर्य, अपेक्षित योग्यता की भी ज़रूरत है। जिस कैपेसिटी के साथ आप रिपोर्टर हैं, उसी कैपेसिटी के साथ आप एडिटर नहीं हो सकते, उसी कैपेसिटी के साथ इनपुट एडिटर नहीं हो सकते या आउटपुट के एडिटर नहीं हो सकते। यानी कि कैपेसिटी आपको बिल्डिंग करनी ही पड़ेगी। अगर उस रिपोर्टिंग के दौरान आपने अपेक्षित चीज़ें अर्जित नहीं की, तो निश्चित रूप से फिर आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। कठिन शब्द है पर समस्या खड़ी होगी आपके सामने। जो बात संजय जी कह रहे हैं, नए रिपोर्टर्स को गांठ बांधने बहुत जरूरी है कि रिपोर्टिंग है थोड़े समय तक चलती है, लेकिन उसके बाद तमाम सारे काम टेलीविजन में, अखबार में होते हैं, जिनके लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार करना चाहिए। संजय द्विवेदी से बातचीत का दौर जारी रहेगा। फिलहाल लेकिन छोटा सा देखा विवाद बात में आपका स्वागत है। संजय द्विवेदी जी पत्रकारिता के आचार्य मैं इनको कहता हूँ, और मैंने संजय जी को देखा है जब वो स्टूडेंट हुआ करते थे, मैंने संजय जी को देखा है जब वो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की भूमिका में रहे, एक लीडर की भूमिका में रहे, उसके बाद उनको देखा वहाँ के कुलपति के रूप में, और अब हम सभी लोग देखेंगे उनको बेहतरीन काम करते हुए IIMC में। IIMC का खाका आपने बताई है कि उसको यूनिवर्सिटी में तब्दील करना है, तमाम सारी चीज़ें हैं वो होंगी। अभी हम बात कर रहे थे पत्रकारों के, संजय द्विवेदी कुछ भी हो जाए उनके भीतर एक पत्रकार को बुलाता रहता है, एक लेखक को बुलाता है। 2 दर्जन से ज़्यादा किताबें आप किसी भी अच्छे पढ़ने वाले के शेल्फ में देखेंगे तो उसमें संजय द्विवेदी की किताब आपको जरूर मिल जाएगी। वो हो सकती है अपराध पत्रकारिता पर, वो हो सकती है निबंध के ऊपर हो, वो हो सकता है कोई संपादन पुस्तक हो, संजय द्विवेदी आपको किताबों के शेल्फ में जरूर मिलेंगे। ये समय कहाँ से निकाल लेते हैं इस पीछे? देखिए क्या है कि सभी को भगवान ने, ऊपर वाले ने 24 घंटे बख्शे हुए हैं, तो आप अगर ये प्रतीक्षा करेंगे कि मुझे अलग से समय मिलेगा और अलग से मैं इन कामों को करूँगा, तो वो संभव नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई अच्छा लिखने का मूड नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कोई संकल्प तो नहीं है, पर यह है कि 2-4 किताबें जरूर साल में आ जाती हैं। उसका कारण यह है कि कुछ ना कुछ रोज़ करते हैं, जब कुछ ना कुछ आप रोज़ कर रहे होते हैं और आपकी दिनचर्या में लिखना शामिल होता है, तो वो चीज़ें भी होती हैं। जैसे हम दुनिया के सारे काम करते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी के सारे काम करते हैं, अपनी नौकरियाँ करते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, परिवार के साथ होते हैं, गार्डनिंग करते हैं, बाकी स्वास्थ्य के लिए थोड़ा समय निकालते हैं, ऐसे 1-2 घंटे का स्वाध्याय लिखने पढ़ने के लिए भी हमें करना चाहिए। और मुझे लगता है एक पत्रकार को कम से कम 2 घंटे जो है ज़रूर अध्ययन के लिए निकालना चाहिए। तो मेरे साथ ये रहा कि मैं अपने पढ़ने लिखने के काम में कंप्रोमाइज़ नहीं करता और कहीं ना कहीं वो वक्त निकालने की कोशिश करता हूँ, और मुझे लगता है हर पत्रकार को 2 घंटे अपने पढ़ाई लिखाई पे देना चाहिए। और अगर इतना हम देंगे तो मुझे लगता है साल के अंत में आपके पास बहुत सारे घंटे होंगे, क्योंकि 25वां घंटा आपको मिलेगा तब आप कुछ कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। और ये व्यस्तताएँ और जीवन की ये तो चलती रहती हैं, पर अपने शौक के लिए कुछ करना ज़रूरी है, तो वो मैं करता हूँ। अब एक नई समस्या कोरोना काल के रूप में, आप देखें कि यूनिवर्सिटी जहाँ हमेशा चहल पहल होती थी, सन्नाटा पड़ा हुआ है, एक अघोषित भय के माहौल में हम काम कर रहे हैं। माखनलाल से आप IIMC जाएंगे, वहाँ भी अभी कमोबेश बंद पड़ा है, तो वो
शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नई क्रांति होगी, इसके जरिए कुछ अच्छा होगा? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री 2014 से कह रहे हैं डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कि कोई भी हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र में फोर्सली कोई चीज़ लागू नहीं हो सकती, पर आप देखिए कोरोना संकट ने हमको सबको डिजिटलाइज बना दिया। वो टीचर जिनने कभी ई क्लास के बारे में सोचा भी नहीं था कि वो मोबाइल पे बैठ के स्काइप पे या जूम पे क्लासेस करेंगे, वो क्लास कर रहे हैं। मैं बताऊं कि जून का महीना छुट्टियों का महीना होता है और मैं एक विश्वविद्यालय का इस समय कुलपति हूँ और ग्रीष्मावकाश चलते हैं उस समय, जो क्लासेस चली 30 मई तक बच्चों की वो तो चली। अकेले जून महीने में हमने 24 विद्वानों की कक्षाएं कराईं ऑनलाइन फेसबुक लाइव के माध्यम से। उसमें विविध क्षेत्रों के लोग जुड़े, राज्यपाल जी ने भी एक क्लास लगाई, उसके अलावा भुवनेश उपाध्याय जी, मालिनी अवस्थी, नगमा जो जानी मानी एंकर हैं, वर्तिका नंदा, ऐसे बहुत सारे लोगों ने, 2-3-4 प्लेयर्स ने, तो लेकिन रोज लोग जुड़े। और मैं आपको अद्भुत बताता हूँ कि हमें इस माध्यम को लेकर थोड़ी हिचक थी, क्योंकि हम लोग थोड़ा पुराने माइंडसेट के लोग हैं। मैंने वैसे भी कहा मेरा प्रिंट का है, तो मुझे थोड़ा भरोसा नहीं था। पर जब मैंने बच्चों से बात की कि ये जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई वो आपके लिए कितनी उपयोगी रहीं, तो उनका कहना था कि ये ऑनलाइन कक्षाएं क्योंकि लंबी नहीं चलती, आधे घंटे 45 मिनट पर टीचर ख़त्म करना होता है, टीचर फोकस रहता है, पिन पॉइंट रहता है, ज़्यादा काम की बात करता है और फिजूल की जो बातें होती कक्षा में कई बार वो चीज़ें नहीं होती, तो बड़ा ही डिलीवरी सिस्टम बहुत सुधरा हुआ है। और इसके अलावा अद्भुत बात मैं आपको बताता हूँ जो प्रयोगात्मक चीज़ें हैं, कि लगभग 250 से ज़्यादा वीडियोज़ हमारे बच्चों ने बनाए अलग अलग स्थानों पर, और कई ने तो न्यूज़ बुलेटिन बनाए कि एक आदमी बिहार से कवर कर रहा है, एक आदमी यूपी से कवर कर रहा है, एक आदमी बंगाल से अपनी खबर भेज रहा है। तो हमारी जो प्रोडक्शन टीम है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके लगभग 250 के आसपास उन्होंने बड़े रचनात्मक वीडियो बनाए और एक नई तरह की चीज़ हो रही थी। इस माध्यम की तो सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं, इसकी कल्पना आपको खुद नहीं होती। हाँ, छुट्टियों में बच्चे अपने घरों पर थे तो शायद वो भोपाल में होते तो भोपाल के 4 स्थानों की रिपोर्ट कर रहे होते, पर अगर मैं अपने घरों में थे तो वो हमें 10 राज्यों से कवर कर रहे हैं हमको। तो वो एक बहुत ही सुंदर एक्सपेरिमेंट रहा, पर फिर भी ये है कि एक जो निरंतरता है, और अभी भी मेरे मन में हिचक है कि क्लासरूम टीचिंग के विकल्प को मैं नहीं मानता कि ये जो ऑनलाइन क्लास है उसका कोई विकल्प नहीं है। फिजिकली जब आप उपस्थित होते हैं, परिसर में जब आप होते हैं, एक विश्वविद्यालय में जब आप होते हैं, कैंटीन में आप होते हैं, लाइब्रेरी में आप होते हैं, आपस में जब आप संवाद करते हैं, उसका विकल्प तो नहीं बन सकता। पर इस कोरोना संकट में हमें थोड़ा बहुत राहत तो जरूर मिली, पर मैं मानता हूँ क्लासरूम टीचिंग को विश्वविद्यालय के वातावरण का, जैसे मानिए कि कोई बच्चा इंटर्नशिप करना चाहता है, मैं अपने स्टूडियो में कितना भी सिखा लूँ, पर जो दखल न्यूज़ के दफ्तर में आएगा, आपके या शेफाली के साथ काम करेगा, तो जो सीखेगा वो हम कभी नहीं सिखा सकते, क्योंकि न्यूज़ रूम का एक इन्वायरमेंट अलग होता है, एक अखबार में काम करने का इन्वायरमेंट अलग होता है। तो वो विश्वविद्यालयों की जगह ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकती, क्योंकि कॉलेज में जब आता है तो गेट से ही सीखना शुरू करता है, घर से निकलता है, कॉलेज में आता है, कैंटीन में बैठता है, लाइब्रेरी में बैठता है, 10 तरह का डिस्कोर्स होता है, 10 तरह के उसके रिश्ते बनते हैं। और मीडिया की पढ़ाई में तो बहुत ज़रूरी कि आप अपने समाज और अपने लोगों के साथ कितने घुल मिल करके बात करते हैं, तो इसका विकल्प तो नहीं है ऑनलाइन टीचिंग, पर एक रास्ता जरूर खुला है कि हम इन माध्यमों से भी ऐसे संकट काल में अपने को संभाल सकते हैं। मजबूरी का दौर था और इसमें कुछ ना कुछ नया किया जाना था। आपने प्रधानमंत्री जी की चर्चा की, बड़ा अद्भुत सा काम करते हैं कई बार और अप्रत्याशित भी होता है, एक पत्रकार के रूप में, एक शिक्षक के रूप में किस तरह से देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गहरी निराशा, बड़े गहरे अवसाद से देश घिरा हुआ था जब 2014 में आए। प्रधानमंत्री की जो सबसे बड़ी खूबी है श्री नरेंद्र मोदी की, कि उन्होंने देश में आकांक्षाओं का सृजन किया, मतलब एक आकांक्षावान भारत का उदय हुआ। लोग ये मानते थे कि कुछ हो नहीं सकता इस देश में, यह देश राम भरोसे चल रहा है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मुझे लगता है जो सबसे बड़ी जो चीज़ है नरेंद्र मोदी जी की, वो यह है कि उन्होंने एक आकांक्षाओं को जगाने का काम किया। आज हर व्यक्ति को लगता है कि कुछ हो सकता है, मतलब मैं कह रहा हूँ जिस चीज़ के प्रति बहुत लोग एलर्जिक थे, राजनीति के प्रति भी आकर्षण बढ़ा है। प्रधानमंत्री के अकेली कर्मठता के नाते राजनेताओं के ऊपर भी थोड़ा सा विश्वास लोगों का बढ़ा है। दो पात्र मुझे याद आते हैं, एक अन्ना हजारे और दूसरे नरेंद्र मोदी। हम अगर इस दशक की बात करें 2010 के बाद से, इनके दोनों के आने के बाद तमाम किस्म के चमत्कार समाज में और राजनीतिक क्षेत्र दोनों जगह हुए हैं। इसका पत्रकारिता पे भी, शिक्षा पे भी, समाज पे भी बड़ा व्यापक असर पड़ा।
निश्चित रूप से देखिए अन्ना हजारे ने जो लोक जागरण किया, एक तरह से लोगों को जगाया, जबकि वो मतलब उस तरह की वो एक गांव के अंदर उन्होंने काम किया, कोई बहुत राष्ट्रीय मंच पे कभी आए नहीं, और अपने गांव के अंदर एक छोटे से स्थान पर वो अपने प्रयोगों कर रहे थे, पर वो दिल्ली में जब आए हैं और जिस प्रकार का लोक जागरण हो, जिस तरह से लोग खड़े हुए, यानी आप सोचिए कि हिंदुस्तान के मन में कितनी गहरी निराशा थी, कितना गहरा गुस्सा था भ्रष्टाचार को लेकर, तमाम सवालों को लेकर के, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव में आते हैं तो बहुत बड़ा कारण अन्ना आंदोलन भी है कि एक ज़मीन उस बहाने तैयार हुई, एक वो हुआ, एक भरोसा तैयार हुआ, एक ताकतवर लीडरशिप हमें मिली, और इस लीडरशिप के नाते आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा वैश्विक स्तर पर भी भारत का सम्मान बना है। अब भारत आज एक लीडरशिप कैपेसिटी में, मैं नहीं कहता कि जो पुराने प्रधानमंत्री तुमने कोई काम नहीं किया, पर पुराने प्रधानमंत्री का काम जो था वो अलग ढंग का काम था, इनका जो काम है वो कनेक्ट का है, जो सीधा वो कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से, हर चीज़ में जो पब्लिक से संवाद कर रहे हैं, संवाद की जो परंपरा उन्होंने शुरू की, मुझे लगता है कि संवाद जब आप करते हैं अपने समाज से तो पूरा समाज साथ में खड़ा होता है, वरना प्रधानमंत्री और जनता दोनों बहुत दूर की चीज़ें मान ले जाते हैं, प्रधानमंत्री बहुत बड़े आदमी और हम बहुत छोटे आदमी हैं, पर नरेंद्र मोदी ने लोगों को एहसास कराया कि अपने संवाद से, अपनी संवाद कला से, अपनी बातचीत से कि नहीं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस डेमोक्रेसी में, और मुझे लगता है जब लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने लगते हैं तो डेमोक्रेसी के लिए उससे अच्छे दिन नहीं हो सकते। आज कम से कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग साथ में खड़े हो रहे हैं और उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और उनके कहे पर अमल भी कर रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका मुझे लगता है मीडिया ने, और खास करके जो नया मीडिया है, सोशल मीडिया है, वेब मीडिया है, अलग अलग नामों से हम उसको पुकार सकते हैं, इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, निश्चित रूप से। देखिए हर व्यक्ति को पत्रकार बना दिया। देखिए 2014 के चुनाव में श्री रजत शर्मा जी ने इंडिया टीवी में एक इंटरव्यू किया, जो आपके भी संपादक रहे रजत जी, तो उन्हें एक इंटरव्यू किया उसमें, हाँ, और प्रधानमंत्री जी उसमें आए, तो उसमें उन्हें प्रधानमंत्री ने एक बात कही, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हिंदुस्तान के लोगों की क्रिएटिविटी का पता ही नहीं चलता, मतलब कितना हिंदुस्तान सोचता है, कितना सुंदर सोचता है, कितना अच्छा सोचता है, कितनी चीज़ों पर सोचता है, तो सोशल मीडिया के बहाने एक डेमोक्रेसी जो है एम्पावर्ड हुई, लोगों ने अपने विचार रखे, अपनी बातें कहीं, जिनकी बातें अच्छी थी वो स्वीकारी गई, नहीं तो आप देखिए ये बात कही जाती है कि हिंदुस्तान में नेता बूढ़े होते हैं, शायद नेता हिंदुस्तान में बूढ़े इसलिए होते हैं कि जब तक हिंदुस्तान उनको जानता था तब तक वो बूढ़े हो जाते थे, पर आपने देखा कि दिल्ली में साल भर में एक व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बन गया, ये सोशल मीडिया के पेनिट्रेशन ने, सोशल मीडिया को उपयोग ने संभव किया, आज नौजवानों के हाथ में कमान है, आज हर जगह नौजवान आपको दिख रहे हैं, और आज नरेंद्र मोदी की जो क्षमताएं थी गुजरात की, वहाँ सारे देश में उसको इससे परिचय हो पाया, तो इस बहुत बड़ा कारण उसका सोशल मीडिया था कि लोगों के ध्यान में परिवर्तन और ये चीज़ें ध्यान में आ रही थी और लोग उस पर मुहर लगा रहे थे, तो ये सोशल मीडिया के नाते अब नेताओं को सावधान भी रहना है, सचेत भी रहना है, और मुझे लगता है एक बहुत बड़ी लोकतंत्र के लिए शक्ति के रूप में सोशल मीडिया उपरा है कि आप गलत काम करके, गलत करते हुए ना बच सकते हैं, ना आपको लोग छोड़ेंगे, बख्शेंगे नहीं। आप सुन रहे थे संजय द्विवेदी जी को, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में संजय जी ने जी जान लगाई और एक नए किस्म की आभा से उसको लाभान्वित किया, ऐसा ही हमको IIMC में भी देखने को मिलेगा, और मध्य प्रदेश के लिए भी गर्व की बात है कि हमारे यहाँ का एक प्रोफेसर IIMC में महानिदेशक बनता है। बहुत धन्यवाद अनुराग जी, दखल न्यूज़ के सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे फिर मुलाकात होगी, तब आपके मुताबिक बात होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।